एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं चंपारण और टीला, और आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई हुई हूँ। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मेरे साथ आई हुई है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, और उसके साथ में शीतल आया हुआ है। आरती को तो आप सब जानते ही होंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे देख लो, अभी मस्ती वगैरह हो रही है। यहाँ पे आप व्यू देख लीजिए, यहाँ पे रील्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है, सुहाना। और दोस्तों, जो ये रास्ता है चंपारण जाने वाला, वो बहुत ही अच्छा रास्ता है। हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है, खेत वगैरह है। और देखो दोस्तों, यहाँ पे सबके हाथ में मोबाइल है, और इधर आरती रील बना रही है अभी, वो देख लीजिए। सो दोस्तों, यहाँ पे अभी रील वील बनाने का काम खत्म हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं, नहीं तो लेट हो जाएगी वहाँ पे। सो दोस्तों, अभी अभी हम लोग पहुंच गए हैं टीला गांव रायपुर से करीबन 50 किलोमीटर दूर है। और यहां पे अच्छा बहुत बड़ा सा हनुमान जी का स्टैचू बनाया गया है, वही देखने के लिए हम लोग यहां पे आए हुए हैं। सो, हम लोग पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन में। यहां पे हम लोगों ने अपनी कार पार्क की है। आजू बाजू कुछ दुकानें हैं जहां से आप खाना पीना ले सकते हैं, समोसा वगैरह की दुकानें हैं। अब मैं अंदर जा रही हूं और आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाने वाली हूं। तो इस वीडियो को ना पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक में ही आपको मज़ा आने वाला है। सो दोस्तों, अभी हम लोग टीला पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत ही बड़ा हनुमान जी का मूर्ति है, और साथ ही साथ यहाँ पे मंदिर वगैरह है, और बहुत सारी यहाँ पे ग्रीनरी है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे आके। और सामने मेरे में डैम है, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी। और यहाँ पे कुछ गार्डन वगैरह है, ग्रीनरी है, वो आगे हम लोग जाके एक्सप्लोर करेंगे। सो, ये जो हनुमान जी का बहुत बड़ा सा स्टैचू है, ये 81 फीट का स्टैचू है दोस्तों। और ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने अपनी मेहनत और खर्च से इस स्टैचू को बनवाया है। और इस स्टैचू के आजू बाजू हनुमान जी की और श्री राम भगवान की छोटी छोटी सी मंदिरें हैं दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पे हनुमान जी के पास में ही पूरे 9 ग्रह की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हनुमान जी के साथ साथ आपको 9 ग्रहों के भी दर्शन हो जाएंगे। देख लीजिए, यहाँ पे शनि देव जी की मूर्ति बनी हुई है दोस्तों। वैसे ही पूरे इस टीले में आपको बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी, और उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपको पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। सो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, ये बोर्ड है, इसमें पूरी जानकारी दी गई है, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, ये है महानदी। महानदी में ही ये एनिकेट बनाया गया है दोस्तों, रोड जैसा। ये ना एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती है दोस्तों। और यहाँ पे खेती वगैरह होती है, मछली पालन वगैरह यहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं गार्डन की तरफ। यहाँ पे गार्डन भी बनाया गया है, तो घूम लेते हैं कि कैसा गार्डन बनाया गया है। बट यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ग्रीनरी मुझे नज़र आ रही है गार्डन एरिया में भी। सो, अब मैं आर्टिफिशियल माउंटेन के ऊपर में खड़ी हुई हूँ और आपको व्यू दिखा रही हूँ। देख लीजिए, ये है उस साइड महानदी, और महानदी के आसपास का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है।
मौसम ठंडा है तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे। अकेले अकेले झूला झूल रही है रे। सो दोस्तों यहाँ पे झूला वगैरह भी लगे हुए हैं और ये झूला झूलने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। और आप पीछे का व्यू दिखा दीजिए, पीछे आरती पीछे दिखा दी तो जो माउंटेन जैसा आर्टिफिशियल बना हुआ है, आर्टिफिशियल माउंटेन। सो दोस्तों अब हम लोग जाने वाले हैं इस एरिया के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा फोटो शूट और वीडियो शूट हो सकता है। बट यहाँ पे देख लीजिए सांप के घर वगैरह भी बने हुए हैं, तो पता नहीं कि ये जो एरिया है वो सेफ है कि नहीं है। जल्दी जल्दी जाएंगे और फोटो शूट करवाएंगे। यहाँ पे मैं चल रही तो मुझे जंगल जंगल जैसी फीलिंग आ रही है, देख लीजिए मेरे पीछे। और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे गर्मी लग रही है थोड़ी थोड़ी सी। हेलो, सो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, अब दूसरी प्लेस में जाएंगे। क्यों आरती, कैसे लगा यहाँ आके? बहुत अमेजिंग प्लेस है, बहुत मजा आया। और बहुत सारे फोटो शूट वगैरह करा के भी कैसा लगा? बहुत मजा आया, इतनी प्यारी प्यारी फोटो आई है, बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, बहुत मजा आया। ठीक है, तो अब हम लोग जाने वाले हैं दूसरी लोकेशन में, उसका वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं, ये वाला जो होटल है वहाँ पे अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। यहाँ पे गरम गरम समोसा और गरम गरम बड़ा है वो निकल रहा है, तो अभी जाएंगे और हम लोग समोसा वगैरह खाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोकल होटल है वहाँ पे बहुत ही टेस्टी समोसा मिलता है, साथ ही साथ चटनी भी बहुत ही लाजवाब है। मौसम भी अच्छा है और समोसा वगैरह यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेस्टी है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि और भी मैं ऐसे अच्छी वीडियोस डालते रहूं।